गोंडा के बस स्टैंड के निकट कोलकाता बिरयानी स्टोर से आज सुबह आर्मी बन बिरयानी ऑर्डर कर 5000 रुपए ठगों द्वारा ठग लिए गए। दरअसल दुकान के मालिक मोहम्मद शहजादा ने बताया कि आज सुबह उसे जब कॉल मिला कि आर्मी वालों की ओर से बोल रहा हूँ 50 प्लेट बिरयानी ऑर्डर करनी है, फ्रॉड द्वारा दुकानदार को दिलासा दिलाया गया कि यह सरकारी काम है, आपको पैसे भी आसानी से मिल जाएंगे, आप ऑर्डर तैयार कर दो, साथ ही साथ 50 बोतल पानी के भी ऑर्डर दे दिएगी। दुकानदार ने बताया कि उसे 30 प्लेट बिरयानी पैक कर उसी नंबर पर कॉल किया कि एडवांस दे दिया जाए। फ्रॉड द्वारा कहा गया कि आपके अकाउंट पर पैसे नहीं जा रहे हैं, आप हमें 1 रुपये फॉरवर्ड करें ताकि हम आपको और भेज सकें। दुकानदार ने 1 रुपये फॉरवर्ड किया और फिर फ्रॉड द्वारा 1 रुपये वापस भी कर दिए गए। फिर दुकानदार से कहा कि आपके कितने का ऑर्डर हुआ, आप हमें वो बता दे, यानी कि बिल भेज दे। बिल देखने के बाद जब करीबन 7500 का ऑर्डर हुआ तो फ्रॉड द्वारा दुकानदार को कहा गया कि आप हमारे अकाउंट में करीबन 5000 रुपए भेज दे ताकि हम आपको ये पैसे भेज सके। दुकानदार को ये विश्वास हो गया कि वो 5000 भेजने के बाद उसे वो पैसे वापस मिल जाएंगे। उसे लग रहा था कि ये कॉल किसी आर्मी के जवानों द्वारा की गई है और कहीं आर्मी के जवानों को भोजन की जरूरत है, इस वजह से ये ऑर्डर आई। दुकानदार ने सोचा कि चलो आर्मी के लोग हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, और इसी विश्वास के साथ उसने 5000 रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद वो नंबर ऑफ आने लगा। इधर दुकानदार के 50 पैकेट बिरयानी भी धरे के धरे रह गए और दुकानदार सर पर हाथ पैर रखे दुकानों में बैठा हुआ है। क्या स्कैम हुआ, अभी कैसे हुआ स्कैम? मतलब 8 बजे का लमसम में कॉल किया पापा के मोबाइल पे, तो पापा ने सोए हुए थे तो नहीं उठाया, तो फिर दुकान पे कॉल किया मेरे नंबर पे, तो हम रिसीव कर लिए कॉल, और कॉल रिसीव करने के बाद वो बोले क्या, हेलो हाँ सर शहजादा बोल रहे हैं, तो हमने बोला हाँ जी बताओ, तो उसने बोला कि आर्मी बोल रहा हूँ मैं, तो 50 प्लेट बिरयानी हमको चाहिए, हमने हो जाएगा। बोले कब चाहिए? बोले 12 बजे का लंच समय हमको चाहिए बिरयानी, तो बोले ठीक है हो जाएगा, तो आप एडवांस कर दो जी। तो एडवांस करने बोले तो उसने बोला एडवांस के लिए कोई चिंता नहीं करने का, तो आर्मी से बोल रहे हैं हम, तो आप जब 12 बजे लंच समय में आप जब बिरयानी दे दोगे तो फुल पेमेंट हम पे कर दूंगा उस पर। तो हमने कहा तो ठीक है सर कर दूंगा, और प्लस में बोला कि 50 बोतल पानी भी कर देना उसको ऐड उसमें। हम बोले ठीक है। तो अब जब 11 बजे का लमसम हुआ तो हमने उसको कॉल किया, उसको बोला हाँ जी सर तो हो गया बिरयानी, तो क्या करना, पार्सल करता हूँ 1 घंटा लग जाएगा। उसने बोला क्या ठीक है कर दो बिरयानी पैक, तो एक काम करो 30 प्लेट तक की है हम लोग पैक बिरयानी, उसके बाद कॉल किया उसको, हाँ जी सर पैक हो गया आप गाड़ी भिजवा दो। तो उसने कहा एक काम करो आप बिल बना के मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो पापा के मोबाइल से हमने व्हाट्सएप किया, इसमें ये देखें यहाँ पे व्हाट्सएप किया है, यहाँ पे बिल दिया, व्हाट्सएप किए हैं 7750 रुपये का बिल हुआ, ठीक है। तो उसको व्हाट्सएप किए तो उसने कहा ठीक है ओके ठीक है। उसने हमने कहा उसको क्या एक काम करो आप पे कर दो, तो उसने कहा पे कर दूंगा, मैं पेटीएम का नंबर दो, पेटीएम का नंबर दिया, तो उसने हमको पेटीएम में बोला घुसने के लिए, ठीक है पेटीएम में घुसने का, और फिर बोला मैसेज में क्लिक करो ऊपर में जो है, तो हमने क्लिक किया, फिर उसने बताया हमें कि हाँ हेलो भेजा हूँ, तो हमने ठीक है और हेलो सर मैं भेज दिया, उसको 2 रुपये का कोई ऑप्शन दिया उसने, बोला पे फोन कर दो 2 रुपये उसके नीचे जो है 2 रुपये किए, तो अपना अकाउंट चेक करते 2 रुपये पैसा बढ़ गया। फिर उसने मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर 5 रुपये मैंने किया उसको, 5 रुपये फिर 5 रुपये फिर आ गया अकाउंट में, ठीक है फिर 10 रुपये रिफंड हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हमने बोला कि ये सब ठीक है सर तो काम करो आप 7750 रुपये भेज दें आप, आपको बोला नहीं हम बोले उसको ठीक है ये हम आपको पे कर लेते हैं बिलीव, फिर आप भेज दें 7750 किसी से, फिर हम आप पे करके हम ले लूंगा। उसने बोला क्या अकाउंट में आपका कम मनी है, हम मुझी से बोल रहा हूँ सरकारी विभाग से, तो इसलिए आपके अकाउंट में मनी कम है, तो मनी का ज्यादा रहेगा तो वैल्यू होगा और जाएगा। एटीएम होती जो बोल रहा हूँ एटीएम से कर रहा हूँ मशीन से, तो हमने उसको 5000 रुपये अपना मतलब खालू से अगले बिरयानी होटल से हमने लिया और 5000 रुपये उसको किया, उसके बाद बोल रहा है 2750 रुपये और करने के लिए, उसके बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा। तब आपको शक हुआ उस पर? तब हमको डाउट हुआ कि अगर अगर जितना ऑर्डर दिया उतना क्यों मांगेगा वो, 1000-2000 रहेगा फोन पे तो आ जाना चाहिए, और उसको फोन पे आने से क्या मतलब है, मतलब मेरे अकाउंट में उसको भेज रहा तो उसको हम नहीं भेजेंगे। यही आर्मी बोला तो इसीलिए उस पर हम बिलीव हो गया, और इसीलिए हम इतना हम 5000 रुपये कर दिए उसको, समझे यही हुआ। और सब जगह भी यही घटना सुन रहा हूँ, क्या बताऊँ।